I am your teacher and today we are going to learn English subject. Okay. So you have to open this English textbook part 1. English is a language which is used to communicate, which is used to give instructions, which is used to say our feelings. Okay. And English is a global language. So, it is very much important to learn English. So, today we will start our first lesson of English. So, you open this English textbook part 1. So this is your first page. And so, these are the lessons that we have to learn during this first semester. Okay now this is our first lesson amachi's amazing machines so here it is our one grandmother is standing here and her name is amachi so amachi's amazing machines do you know what do you mean by machines machines are used for doing human work okay so first lesson is amachi's amazing machines okay and it is from the part my family and i so let's start our first unit but before that what we have to do listen and say aloud listen and say aloud means pehle suno or badme use dohrao okay listen and say aloud ओके, सो यहां पे दो तरह के साउंड्स दिए गए हैं सॉफ्ट सी साउंड एंड हार्ड सी साउंड साउंड नाउ इन सॉफ्ट सी सी प्रोनाउंसेस लाइक एस सी का जो प्रोनाउंसेशन निकल के आता है फोनिक साउंड निकल के आता है वो है एस और हार्ड सी का साउंड निकल के आता है के या फिर ओके। नाउ वी विल सी द एग्जांपल, सी हियर, हियर इट इज़ वॉइस, वॉइस वॉइस, निकल के आ रहा है, ओके। okay. यहाँ पे क्या है सिटी 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 का मीन्स इट इज सिटी मीन्स शहर लेकिन आवाज क्या निकल के आ रहा है सिटी ओके okay. तो स साउंड निकल के आ रहा है ओके okay. यहाँ पे देखते हैं हार्ड सी साउंड है तो यहां पे क्या है केव 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 निकल के आ रहा है सो so, सी से ये जो है केव ये साउंड निकल के आ रहा है यहां पे देखो कौन कौन अगेन इट इज के सो सी के दो तरह के साउंड्स होते हैं एक सॉफ्ट साउंड होता है और एक हार्ड साउंड होता है तो सॉफ्ट साउंड से स निकल के आता है और हार्ड साउंड से क निकल के आता है ओके एक और एग्जांपल देखते हैं रिसीव 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 का मीनिंग होता है मिलना लेकिन रिसीव का अगर आप लोग ये सी का प्रोनाउंसिएशन यहां पे देखोगे तो रिसीव स आ रहा है ओके राइस राइस स आ रहा है राइस तो यहां का सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन है यहां पे देखते हैं कैट 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 का क्या आ रहा है क तो ये क्या है हार्ड साउंड है सी का ही है लेकिन ये हार्ड साउंड है और यहां पे क्या दिया है कट 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 मीनस काटना सो so, कट का भी यहाँ पे देखो हार्ड साउंड आ रहा है और वो है क ओके सो होप यू अंडरस्टूड सी के दो तरह के फोनिक साउंड्स होते हैं एक soft sound और एक सॉफ्ट साउंड और दूसरा है हार्ड साउंड ओके चलो आगे बढ़ते हैं ओके हैव यू एवर हेल्प्ड योर मदर फादर और ग्रैंड पेरेंट्स इन द किचन क्या आपने आपके मम्मा को पापा को या ग्रैंड पेरेंट्स को आपके दादा दादी हाउ डिड यू हेल्प अगर की है तो कैसे हेल्प की है ओके okay, अभी आगे जो लेसन आने वाला है वो उसी के ऊपर है कि एक छोटा बच्चा और उसकी दादी माँ होती है वो छोटा बच्चा अपनी दादी माँ को किस तरह से हेल्प करता है ओके okay, सो so हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके okay, यहाँ पे तो पिक्चर्स दिए गए हैं और पिक्चर्स में कुछ तो भी इसमें यहाँ पे वर्ड्स भी दिए हैं एक मिनट ओके okay, चलो सो so, यहाँ पे ये यह चैप्टर है ओके okay? हम लोग पढ़ते हैं अम्माची अम्माची कैन वी मेक अ कोकोनट बर्फी टुडे सूरज आस्क ग्रैंड मदर प्लीज सो ये छोटा बच्चा जो है इसका नाम सूरज है और ये जो दादी माँ है इनका नाम अम्माची है सो so, अम्माची अम्माची कैन वी मेक कोकोनट बर्फी टुडे सूरज आस्क हर ग्रैंड मदर प्लीज सो सूरज पूछता है कि हम लोग आज कोकोनट बर्फी बनाए क्या दादी माँ से रिक्वेस्ट करता है फिर अम्मा जी रिप्लाईज ओनली इफ यू हेल्प मी मेक इट ओके? सो अम्मा जी कहती है कि अगर तुमने मुझे मदद की तो ही मैं कोकोनट बर्फी बनाऊंगी सो so, सूरज खुश हो जाता है और सूरज से सूरज शाउटेड सूरज का मीनिंग क्या होता है कि सूरज चिल्लाने लगता है खुशी से झूम उठता है ओके okay? फिर आगे देखते हैं सूरज एंड अम्माची वेंट आउट इन टू द गार्डन वेर देर वेर मेनी कोकोनट ट्रीज सूरज और अम्माची जो है वो अब गार्डन में आते हैं जहां पे बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं दे मेड एन अमेजिंग मशीन टू पिक कोकोनट्स उन्होंने एक मशीन बनाई है ऊपर से पेड़ से नारियल को तोड़ने के लिए ओके okay. दे यूज अम्माचीज ओल्ड साड़ीज एंडली यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये साड़ी नजर आ रही है और ये जो है ये रस्सी से बंधी हुई इसको हम कहते हैं पुलिस ओके यहाँ पे भी नजर आ रही है इसे हम कहते हैं पुली ओके सो उन अम्मा ची ने क्या किया है एक मशीन बनाई है जिसको यहाँ पे पुली लटकाई है और ये जो है एक साड़ी है ओके सो आगे बढ़ते हैं देन पुट अ हेलमेट ऑन ऑन हर हेड एंड अप ऑन द स्विंग शी वेंट सो इसका क्या मीनिंग है अम्माची एक हेलमेट पहन लेती है और उस यहां पे जो पुली है उस पर चढ़ जाती है ओके रेडी शाउटेड सूरज सो so, सूरज दादी दादीमा से पूछता है दादी दादीमा क्या आप रेडी हो रेडी सेड अम्माची ओके okay, सो so अम्माची कहती है रेडी सुश वेंट अप अम्मा जी ऑन द स्विंग एज सूरज वर्कड एट द पुली तो इसका क्या मीनिंग है दादी मां जो है वो ऊपर चली जाती है पुलिस के सहारे जब सूरज जो है इस पुलिस को राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड घुमाता है ओके okay. सो so, यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे दादी माँ जो है पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है उस पुली के सहारे और यहाँ पे सूरज है जो उसको राउंड एंड राउंड घुमा रहा है अब दादी माँ जो है आगे देखते हैं क्या करती है ओके वी विल ओनली पिक द राइप वंस राइप का मीनिंग क्या होता है जो पके हुए है वही लोग हम तोड़ेंगे सो so, वही नारियल हम तोड़ेंगे जो पके हुए है कौन कहता है दादीमा कहती है वंस दैट आर ब्राउन ऑल ओवर तो अब वो पके हुए कैसे समझेंगे जो नारियल ब्राउन है वही नारियल हम लोग तोड़ेंगे Watch out. Here they come. Wish, तो जब नारियल नीचे आते हैं तो उसका आवाज आता है वुश और धीरे 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 नारियल देखिए यहाँ से दादी माँ तोड़ रही है और साड़ी से ये नारियल जो है वो नीचे आ रहे है और इस टोकरी में गिर रहे हैं समझ में आया स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं वुश केम द कोकोनट्स रोलिंग डाउन द स्लाइड मेड ऑफ सारीज ऑनवर्ड्स टू द अमेजिंग हस्क रिमूव मशीन ओके तो इसका क्या मीनिंग है कि कोकोनट सारे जो है वो धीरे धीरे रोल करते हुए नीचे आ जाते हैं साड़ी के सहारे और जो मशीन है वो बाद में रिमूव कर दी जाती है और दादीमा जो है वो नीचे आ जाती है समझ में आया ओके चलो अभी यहाँ पे एक इमेज दी है यहाँ पे क्या लिखा है नाउ टू गेट द हस्क ऑफ पच क्रैंक तो ये आवाज आ रहा है अब क्या हो रहा है ये नारियल के छिलके निकालने का काम हो रहा है सूरज और दादी माँ जो है नारियल को तोड़ रहे हैं और उनके छिलके निकाल रहे हैं सूरज स्टमक वेंट ग्रुम अम्माची so सूरज का जो स्टमक है वो गुड़ गुर करने लगता है गुड़ गुर करने कब लगता है इसका ये मतलब होता है कि सूरज को बहुत जोर से भूख लगी है और भूख से उसके पेट में जो है वो चूहे दौड़ रहे हैं। इसीलिए उसका पेट जो है गुड़ गुर कर रहा है अम्माची गिगल्ड मीन्स अम्मा जी है ओके सो so, आपको ये यह यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं सो so, नाउ अमाची क्या करती है नारियल को तोड़ती है यहाँ पे देख सकते हो आप अम्मा जी और सूरज जो है वो नीचे ऐसे एक पॉट लेके खड़ा है तो जो भी पानी गिरेगा नारियल का वो उस पॉट में कलेक्ट होगा देन वी क्रैक द शेल लाइक दिस खटाक तो इस तरह से वो नारियल को तोड़ते हैं ओके okay. अब सूरज देखो क्या करता है यहाँ पे देखो एक और मशीन है उस मशीन के सहारे सूरज जो है नारियल के अंदर का जो पार्ट है उसको छील रहा है उसको निकाल रहा है ठीक है एंड देन वी ग्रेट द फ्रूट अम्माची टुक आउट अनदर अमेजिंग मशीन द क्रोकोनट ग्रेटर तो इसे क्या कहते हैं इस मशीन को कहते हैं कोकोनट ग्रेटर जिससे नारियल जो है वो ग्रेट होता है और वो बाहर निकल के आता है और इस डिश में गिरता है देख रहे हो आप यहाँ पे राउंड राउंड एंड सूरज पेल्ड द हैंडल एंड सून देर वॉज माउंड ऑफ सॉफ्ट फ्लफी वाइट ग्रेटेड कोकोनट ऑन द प्लेट इसका क्या मीनिंग हुआ कि सूरज ये जो मशीन है इसको ये हाथ से घुमाता है और इधर ये हाथ से नारियल को ऐसे पकड़ता है सो so, नारियल जो है वो ग्रेट होता है और उसके अंदर से क्या मिलता है तो सॉफ्ट फ्लफी वाइट ग्रेटेड कोकोनट मिलता है मतलब कोकोनट जो है हमें वो इस तरह से मिलता है फ्लफी और वाइट कोकोनट हमें इस डिश में मिल जाता है ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं Toss it into the pan with all the other ingredients. So ingredients का मीनिंग क्या होता है कोकोनट बर्फी बनाने के लिए और भी कुछ लगने वाला सामान जो है वो सब कुछ पैन में चला जाता है ये देखो यहाँ पे एक पैन है जैसे कोकोनट बर्फी बनाने के लिए शुगर लगती है थोड़ा सा ऑयल लगेगा थोड़ी सी इलायची लगेगी और कोकोनट का ये जो ग्रेटेड हमने जो भी कोकोनट निकाला है वो कोकोनट लगेगा तो ये सब कुछ पे चला जाता है इस पैन में चला जाता है जहाँ पे दादी माँ उस बर्फी को अब कोकोनट बर्फी को बनाने वाली है स्मेल okay. so मीनिंग उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ओके एंड शी पुट ऑल द कोकोनट इन द कढ़ाई विथ अ लॉट ऑफ शुगर एंड घी तो अम्मा जी क्या करती है कि कोकोनट को इस कढ़ाई में डाल देती है विथ शुगर मतलब शक्कर और घी ओके सो यहां दादी माँ जो है कोकोनट बर्फी बना रही है देन वी पोअर इट ऑल आउट ऑन टू अ ट्रे वेट फॉर इट टू कूल बाबा बट सूरज कुड बेयरली वेट ओके okay. सो so, दादी माँ आप क्या करती है जो भी कोकोनट की बर्फी जो बनाई है उसको एक ट्रे में रखने के लिए ट्राई करती है तो यहाँ पे वो दादी माँ जो है ट्रे में रख रही है बट दादी माँ कहती है सूरज को वेट फॉर इट टू कूल उसको ठंडा होने के लिए अभी इंतज़ार करो लेकिन सूरज जो है वो बहुत एक्साइटेड होता है बर्फ़ी खाने के लिए ओके okay. फिर नाउ

यहाँ पे सूरज जो है वो बहुत खुश हो जाता है कि उसको कोकोनट बर्फ़ी मिल गई है और वो खुशी से झूम उठता है और वो बर्फ़ी खाने के बाद यम 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 करता है तो यहाँ पे जो है हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है जहाँ पे हम लोगों ने दादी माँ के अलग अलग मशीन्स देखे हैं कौन से कौन से कौन से कौन से मशीन्स देखे हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक जार है यहाँ से पानी आ रहा है दूसरा यहाँ पे पुली है और यहाँ पे यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है यहाँ पे पुली है ओके फिर यहाँ पे एक देखो यहाँ पे साड़ी है साड़ी से ये नारियल नीचे आ रहे हैं, फिर यहाँ पे कोकोनट के ऊपर का जो छिलका निकालने के लिए और एक मशीन है ओके फिर उसके बाद आगे जब आते हैं तो यहाँ से एक बहुत बड़ा ऐसा चाकू है जिससे नारियल कट होता है फिर यहाँ पे कोकोनट ग्रेटर है ये एक मशीन है फिर यहाँ पे गैस कढ़ाई यहाँ पे फिर ये ट्रे फिर ये जार सो दादी माँ के जो अमेजिंग मशीन्स है इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और सूरज ने वो बर्फ़ी को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया लेकिन हमें इससे क्या सीख मिलती है स्टूडेंट्स कि हमको हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो या तो फिर हमारे मम्मी पापा हो हमको सबको किचन में उनको हेल्प करनी चाहिए मदद करनी चाहिए ओके स्टूडेंट्स सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी तो आप सभी को इस स्टोरी को समझना है पढ़ना है और अच्छे से इसको याद करना है थैंक यू सो मच